भारतीय जनता पार्टी को हर बार जिताने का काम करे इसकला तलक ने, और अब की बार फिर कमल खिलाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अब की बार हमारे दोबारा माननीय सीएम साहब नायब सैन जी दोबारा सीएम बनेंगे। नमस्कार साथियों, माय सेल्फ संदीप भारद्वाज, और फिलहाल हम किलाए थड़के में पहुंचे हैं। पीछे काफिला दिखा दीजिए, जो एक काफिला है कहां पर जा रहा है, जो रोहित शर्मा है बीजेपी की तरफ से टिकट का दावा कर रहे हैं। और आज कलायत हड़के में श्री नायब सिंह सैनी जी की महारैली है, वहां पर पहुंच रहे अपने काफिले के साथ। टिकट का कितना दावा है, टिकट का अपना मजबूत दावा रखेंगे। आइए रोहित शर्मा जी से सारी बात जानते हैं कि उनका कितना समर्थन है। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, आज का क्या कार्यक्रम है सर? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी कपिल मुनि की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, और आप देख लेना कितनी संख्या में लोगों में खुशी की लहर है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ दल बल के साथ पूरे साथी सहयोगी, और यहाँ से राजौंद से कम 2000 की संख्या में लोग यहाँ पर किलायत की कपिल मुनि की भूमि पर नायब सैनी जी को सुनने के लिए जा रहे हैं। सर आप टिकट के मामले में क्या कहोगे, क्या आज नायब सैनी जी आपको टिकट कंफर्म करा देंगे जिस हिसाब से आप काफिले के साथ जा रहे हो? राजौंद शुरू से ऐतिहासिक गांव है, इतिहास पहले भी बहुत रचे हैं और अब की बार भी इतिहास रचने जा रहा है। 1996 में राजौंद ने एकता का परिचय दिया था, पूरे कामरेड सुरता को सरपंच साहब को 8800 वोट देकर एकता का परिचय दिया था। अब की बार वही मांग है और वही उम्मीद है और वही जुनून है। अब की बार राजौंद एक सूत्र में एक सुई के नक्के से निकलकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम करेगा। आपकी टिकट के बारे में बताइए। टिकट की अपनी 100 की 100 दावेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल देकर भेजेगी उसको हम जिताने का काम करेंगे। लेकिन हमें विश्वास है अब की बार भारतीय जनता पार्टी राजौंद जो मजबूत गांव है हर बार जिताने का काम करता है। नायब सैनी जी को भी और जितने भी अब की बार हमारे माननीय एमपी साहब नवीन जिंदल जी को भी 4500 वोट देकर हर बार भारतीय जनता पार्टी ने राजौंद ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया। अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। टिकट का दावा तो बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं सर, बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं सर, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं सर उनमें। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है और हर अपने सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है। सब अपना प्रयास करें, जिसका प्रयास होगा वो पार्टी को देखना, हाईकमान को जो देखेगी, जिसका मजबूती होगी और जिसको देकर भेजेगी फूल कमल का फूल, हम उसे जिताने का काम करेंगे। सर आपके साथ कितना समर्थन है लोगों का वो बताइए। आप अपना कैमरा घुमा कर देख लेना भाई साहब, इधर कितनी गाड़ी है, काफिला कितना, यहाँ से कम 100 गाड़ियों का काफिला जाएगा यहाँ से। और सारी गाड़ी संख्या आपके दलबल के साथ? मेरा राजौंद गांव 36 बरादरी का गांव है, 36 बरादरी का भाईचारा यहां पर खड़ा है। हर वार्ड से और मेरे जितने पार्षद भाई या चेयरमैन गुड्डी राणा जितने भी हमारे पूर्व पार्षद हैं सभी हर जातियों से हैं, हर जातियों से गाड़ी भर के कम से कम 2-3 गाड़ियां भर के यहां से जाएंगी। क्या लोगों के विश्वास पर खरे उतर पाएंगे आप? बिल्कुल, अब पहले भी हम बीच में रहे हैं और आगे भी अगर पार्टी विश्वास करती है और लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलता है तो हम लोगों के बीच में रहेंगे और ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। लास्ट में कलायत की जनता के लिए क्या अपील करना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी को हर बार जिताने का काम करे इस कलायत हलके ने, और अब की बार फिर कमल खिलाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से अब की बार हमारे दोबारा माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी दोबारा सीएम बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी, भारतीय जनता पार्टी।